हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम योर इंग्लिश बुक दैट इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सर एडमंड हिलरी एंड तेनजिंग नार्गे वेयर द फर्स्ट टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1953। एज़ वी ऑल नो, माउंट एवरेस्ट जो है वो हाइएस्ट माउंटेन है कहाँ पर, तो नॉट इन इंडिया बट ओवरऑल इन द वर्ल्ड। एंड एज वी ऑल नो, माउंट एवरेस्ट अट्रैक्ट मैनी क्लाइंबर्स, सम ऑफ देम हाईली एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स। देयर आर टू मेन क्लाइंबिंग रूट्स, वन अप्रोचिंग द समिट फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन नेपाल एंड द अदर फ्रॉम द नॉर्थ इन तिब्बत। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है सर एडमंड हिलरी और तेनजिंग नार्गे के बारे में, जो कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे कब, इन 1953। मैनी माउंटेनियर्स हैड मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू स्केल दिस माउंटेन बिफोर। इसके पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों पहली बार चढ़े थे, इनके पहले भी बहुत कोई माउंटेनियर चढ़े थे लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुए थे। एरिक वेबिनियर सक्सेसफुली ओवरकेम हिज हैंडीकैप ऑफ बींग ब्लाइंड टू स्केल द माउंटेन पीक। एरिक जो है वेबिनियर, वो जो थे वो सक्सेसफुली सबसे पहले माउंटेन पर चढ़े, वो भी क्या एक हैंडीकैप पर्सन, वो हैंडीकैप थे। हैंडीकैप मीन्स कि उनका मतलब कोई भी जो बॉडी पार्ट होता है वो ठीक से वर्क नहीं करता, उसको हैंडीकैप बोलते हैं। तो ये जो थे वो ब्लाइंड थे, अंधे थे वो। In 2001, a 16-year-old student from Nepal, Temba Seri, stepped on the highest mountain peak in the world to become the youngest mountaineer until then to do so. 2001 में 16 साल का एक लड़का नेपाल का टेम्बा, वो youngest बना माउंटेनियर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। His record was broken by an American teenager, Jordan Romero, in 2010. और उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा, तो अमेरिकन टीनेजर एक बॉय था जॉर्डन, 2010 में। जैमलिन नॉर्गे क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट इन 2003। जैमलिन नॉर्गे जो है वो 2003 में माउंट एवरेस्ट चढ़ा टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द एसेंट बाय हिज फादर तेनजिंग एंड सर एडमंड हिलरी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। वॉट इज कॉमन अमॉन्ग रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग एंड पैराग्लाइडिंग। सबसे कॉमन जो है वो रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग में क्या है, क्या हो सकता है। ऑल ऑफ देम आर फिजिकली डॉन्टिंग एक्टिविटीज डैट ऑफर अनयूजल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ये कॉमन है कि ये सब जो हम लोग करते हैं ये एक बहुत, एक तो हम लोग को इसकी ये अनयूजल है, सभी कोई नहीं कर पाते हैं, एक्साइटिंग भी है, ये एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। अगर इसको सक्सेसफुली कर लेते हैं तो एक हमारे ऊपर मतलब हमें जो खुद पर है हमें प्राउड फील होता है। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है ये सब। माउंटेनियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स। माउंटेनियरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट इज़ द स्पोर्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन। ये स्पोर्ट्स है तो वॉट इज़ माउंटेनियरिंग, तो इट इज़ द स्पोर्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स। ये होता है माउंटेन जो हम लोग चढ़ते हैं इसी को माउंटेनियरिंग बोलते हैं। ओनली ब्रेव हर्ट्स विल थिंक ऑफ गोइंग टू अननोन टेरिटरीज एंड कंक्योरिंग माउंटेन्स। सिर्फ वही लोग इसको कर सकते हैं जिनका जो हर्ट है वो ब्रेव हो, बहादुर हो, हिम्मत वाला हो। येट देर इज़ नो डर्थ ऑफ माउंटेनियर्स इन द वर्ल्ड, दे क्लाइंब स्मॉल एंड बिग माउंटेन्स एज अ स्पोर्टिंग एक्टिविटी। माउंटेनियर जो है वो स्मॉल बिग सभी तरह के माउंटेन्स पे चढ़ते हैं स्पोर्टिंग एक्टिविटी के लिए। हाउएवर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, पर माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है कहाँ पे, तो इन द वर्ल्ड में। इज़ द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी माउंटेनियर, सभी जो माउंटेनियर है उनका ड्रीम होता है कि वो कभी ना कभी अपने लाइफ में एक बार जो है वो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करें। मैनी माउंटेनियर्स हैड ट्राइड देयर लक एट द कंक्वेस्ट ऑफ दिस माइटी माउंटेन बिफोर। काफ़ी माउंटेनियर ट्राई भी करते हैं अपना लक। इन 1924 माउंटेनियर सैंडी जेरविन एंड जॉर्ज मेलोरी मेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। 1924 में क्या हुआ, सैंडी और जॉर्ज जो थे, दोनों जो थे वो उन्होंने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था माउंटेन में चढ़ने का, जिसमें उन लोगों को अपना लाइफ जो है वो उसको मतलब गंवाना पड़ा। द ग्लोरी ऑफ हैविंग सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द एवरेस्ट एक्सपीडिशन फर्स्ट गोज टू सर एडमंड हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड शेरपा तेनजिंग नॉर्गे ऑफ नेपाल। उसके बाद जो है वो ग्लोरी है जो सक्सेसफुल क्लाइंब करने का वो किसको मिला,
तो एडमंड हेलेडी को जो कि न्यूजीलैंड के थे, दे कंक्वर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1953। और ये लोग 1953 में जो है वो माउंटेन जो है वो क्लाइम किए, द फर्स्ट जेन्युइन एसेंट एवर सिंस द फर्स्ट कंक्वेस्ट।